हेलो यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आपने पहले की वीडियोस एंजॉय करी होंगी, तो आइए जैसे कि मैंने बताया था कि फन फाना फ्लोरा एंड फोकलोर, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये चैप्टर में आपको बताने जा रही हूँ टूरिस्ट फैसिनेशन फन फाना फ्लोरा एंड फोकलोर। दोस्तों, कोई भी टूरिस्ट है, चाहे आप भी एज ए टूरिस्ट अगर कहीं भी जाते हैं, तो आप क्या देखना चाहते हैं, वहाँ किस लिए जाते हैं? फन, मस्ती, है ना। और दूसरा क्या है कि वहाँ के जो फोकलोर है, वहाँ की जो कहानियाँ हैं, जो लोकल बातें हैं, किससे कहानियाँ हैं, वो सुनना अच्छा लगता है, उसको हम जानना चाहते हैं, लर्न अर्न करना चाहते हैं, है ना। और उसके बाद में जो है वहाँ का जो फाना एंड फ्लोरा है जो वहाँ पे हैं, तो वो हम देखते हैं, इंजॉय करते हैं, हमारी आइज़ को अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है। हम घूमते हैं, नेशनल पार्क्स हुए वहाँ पे, और पार्क्स हुए जो लोकल एरियाज़ हैं, हम उनको विजिट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को देखते हैं और खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। तो इसलिए जो है फन फाना फ्लोरा एंड फोकलोर, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ कवर कर दी। तो हम यही तो करने जाते हैं एज ए टूरिस्ट, ठीक है, आप एग्री करेंगे मेरे साथ? तो आइए, यहाँ पे बेस्टोर्ड विद द नेचर्स वेरी बेस्ट 200 नेशनल पार्क्स एंड 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट। इंडिया ऑफर्स ए वेरी प्रॉमिसिंग पॉसिबिलिटीज फॉर एडवेंचर टूरिज्म विद स्पेशल प्रेफरेंस इन फाना फ्लोरा इन ए कंप्लीटली नेचुरल स्टेट, ठीक है दोस्तों। क्यों हमारा देश क्यों इतना, क्योंकि वो इतना वर्सेटाइल है। हमारे यहाँ पे फाना फ्लोरा आप देखिए कितनी वर्सेटाइलिटी है, तो कितना, और ये बेस्टो है, ये हमें जो है प्रकृति की देन है। हमारा देश जो है वो इस तरह से ब्लेसिंग्स हैं। देर आर मेनी प्लेसेस इन द कंट्री इंक्लूडिंग 200 नेशनल पार्क्स, ठीक है। और इस प्रकार से हम जो है देखते हैं, इंजॉय करते हैं, और हमारे देश में जो है फॉरेन से जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो इन चीज़ों को बहुत ही पसंद करते हैं, और कई बार तो वो बार बार आते हैं। इंडिया चैलेंज टू एन एडवेंचरस स्किल, अब यहाँ पे क्या, अब हम बात करते हैं एडवेंचरस स्किल्स की। तो हमारा जो यूथ है, जैसे कि आप लोग हैं यंग हैं, तो आप लोग एडवेंचर इंजॉय करने जाते हैं, तो वहाँ पे कहाँ जाते हैं आप, क्या करते हैं आप, नेचर वॉक्स करते हैं जब आप जाते हैं, तो माउंटेनियरिंग करते हैं, हिल्स के ऊपर चढ़ते हैं, है ना। तो ये जो है ये आपका जो है एडवेंचरस स्किल्स है। और फिर कई तरह की, मैं फोटोग्राफ्स भी आपको बाद में दिखाऊंगी और वीडियो में, चिमनी क्लाइंबिंग है जो कि मैंने, हर तरह की जो है कैंपिंग है जो कि मैंने फोटोग्राफ्स जो है कवर किए हुए हैं। तो बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ हैं जो कि एडवेंचरस एनर्जेटिक टूरिस्ट जो है वो इंजॉय करता है उसको। इंडिया इज बिकमिंग पॉपुलर अमंगस्ट द एडवेंचर टूरिस्ट, इट ऑफर्स माउंटेनियरिंग ऑन द हिमालयस, रोरल रोलर स्केटिंग एंड स्कीइंग ऑन एन इनफाइनाइट स्ट्रेच ऑफ स्नो, राइट, विंड सर्फिंग, स्नॉर्कलिंग, सर्जिंग वेव्स टू द सी, एंगलिंग, बोटिंग, फिशिंग, राइट, गोल्फिंग, हैंड ग्लाइंडिंग, रेफ्टिंग, सेलिंग, राइट, स्कूबा डाइविंग, वाटर पोलो, वाटर स्कीइंग, राइट, एंड याचिंग एट्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आर यूथ इंजॉय। इट्स एजूरे ब्लू स्काई इन्वाइट्स यू टू ग्लाइडिंग हाई एज वेल, है ना। स्टीप हिल्स साइट्स एंड ग्रीन मेडोज डॉटेड विद द एल्पाइन सिडार सेलेंडाइंस एलिफेंट ग्रास फ्यूरा जाइंट पाइन्स ओक एंड रोडोडेंड्रॉन्स इन नॉर्थ ईस्ट, राइट, ऑफर ए थ्रेड ऑफ एनचेंटिंग ट्रेल्स टू एन एनर्जेटिक ट्रैकर, राइट। देन टॉपिंग द लिस्ट इज बीच टूरिज्म, वेयर वन कैन नॉट ओनली सोक इन द सन एंड टेक ए क्विक इन द सी बट ऑल्सो गो डीप सी डाइविंग स्नॉर्कलिंग एंड वाटर स्कीइंग। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं कि हमारी जो समुद्र हैं वह भी कितना एक एनचेंटिंग ऑफर करते हैं टूरिस्ट को। एशियन विंटर गेम्स 1986 एंड 1990 एट जापान, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमारे कंट्री ने जो है बियॉन्ड द कंट्रीज बॉर्डर टू पार्टिसिपेट इन द विंटर ओलंपिक्स 1968 एंड एशियन विंटर गेम्स 1986 एंड 1990 एट जापान। इन 1970 ITBP established its winter draft center, right, at Oli, and in 1984
गढ़वाल मंडल विकास निगम सेटल्ड ए स्कीइंग रिसोर्ट एट ओली टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म एंड द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस बैकवर्ड रीजन। तो दोस्तों इस प्रकार से द नेशनल चैंपियनशिप्स ऑफ द स्कीइंग हैव बीन हेल्ड इन 1986 गुलमार्ग, 1989 सोलंग, मनाली, 1991 ओली। हाउएवर वन फील्स सैड दैट स्कीइंग इन गुलमार्ग हैज बिकम द थिंग ऑफ द पास्ट सिंस दिसंबर 1990 सिंस द लॉट ऑफ सोशो पोलिटिकल प्रॉब्लम्स। नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, ग्रीन लंग्स एंड वाइल्ड ब्यूटी। तो जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं और सेंचुरीज हैं, दे एक्ट एज ए ग्रीन लंग्स ऑफ इंडिया, राइट, एज वेल एज द वाइल्ड ब्यूटी। तो इसमें कुछ हैं, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ नाम दे देती हूँ, जैसे कि माधव नेशनल पार्क इन शिवपुरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, परियार सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व थेकडी केरला, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व, ए हेवन फॉर द बीस्ट, पंच नेशनल पार्क, पाना नेशनल पार्क, सासनगीर नेशनल पार्क, कोलाडियो घाना नेशनल पार्क भरतपुर एंड बोरीवली नेशनल पार्क, ए बर्ड वॉचर्स पैराडाइज। बोरीवली बॉम्बे में, मुंबई में, जहाँ पे कि बर्ड वॉचिंग के लिए, बर्ड्स के लिए, और स्पेशली जो हमारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, वह समय समय पे जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड वन ऑफ द टाइम। देन छिलका लेक उड़ीसा, रॉक गार्डन चंडीगढ़, रांची। अब बात करते हैं हिल स्टेशन रिसॉर्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के नाम आपको बताने वाली हूँ जो कि टूरिस्ट बहुत इंजॉय करते हैं, हिल स्टेशन जो है, जैसे नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कसौनी, देहरादून, दैट इज गेटवे टू मसूरी, एंड देन देहरादून से फिर आप मसूरी, मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स, राइट, हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, राम झूला, त्रिवेणी घाट, नीलकंठ महादेव, डेस्टिनेशन चारधाम। तो चारधाम में हमारे रहेंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, राइट, फिर ऊपर और गोविंद घाट, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो है आगे जम्मू कश्मीर, जिसको कि हम कहते ही हैं हेवन ऑन अर्थ पैराडाइज। अभी जम्मू कश्मीर, जैसा कि आप सभी अवेयर हैं कि वह यूनिटेड टेरिटरी में डिवाइड हो गया है, दो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, राइट। फिर बागे बाहू जो फेरी लैंड है जम्मू, वो बहुत फेमस है वहाँ पे। और फिर कश्मीर, कश्मीर में उधर चलते हैं पचमढ़ी, द कश्मीर एंड द कश्मीर ऑफ मध्य प्रदेश। पचमढ़ी जो है उसको मध्य प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश जो कि हमारे देश का दिल, हृदय, सेंटर ऑफ आर कंट्री, पचमढ़ी जो है उसको कश्मीर ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। भोजपुर भीमबेटका हेरिटेज ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन, राइट। इसके बाद सिक्किम, डार्लिंग ऑफ फुटलूस, हिमाचल प्रदेश, लैंड ऑफ स्नो एंड ट्रैकर्स पैराडाइज। तो यहाँ पे दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे फिर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जगह हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नागर हवेली एंड लाहौल स्पीति एंड अदर प्लेसेस, तो दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप एनरिच हो रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर आप नॉलेज आपको मिल रहा होगा। और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और आप क्या बेटरमेंट चाहते हैं वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।